तो अभी हमने यहाँ पे अच्छे से भोलेनाथ जी के दर्शन भी कर लिए हैं और थोड़ा सा पानी भी गए हैं, बाकी ठंडा ठंडा पानी जाने का और ज्यादा ठंडे पानी में जाने का मन तो कर रहा है, डुबकी लगाने का मन भी कर रहा है, लेकिन डर भी लग रहा है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, कैसे हैं आप सभी? आशा उम्मीद करती हूँ आप सभी बढ़िया होंगे, मैं भी बढ़िया हूँ। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है आरती रावत, मेरा गाँव है रुद्रप्रयाग जिले के खूबसूरत गाँव बाली सिंह से। तो आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है रुद्रप्रयाग जिले से, यानी कि अपने जिले से। तो आप सभी का स्वागत भी है हमारे जिले रुद्रप्रयाग में। और ये रुद्रप्रयाग जिला का मेन मार्केट है वह जहाँ पे पीपल की डाली है। तो पहले के ज़माने में फ़ोन नहीं हुआ करते थे, अगर किसी को भी कहीं से आना होता था तो बोलते थे कि तू घर से वहाँ पे आना और मैं भी वहाँ पे, मतलब जिस दिन मिलते थे उसी दिन बोल देते थे कि पीपल की डाली में मेरा इंतज़ार करिए भाई। तो आज भी फ़ोन करता है तो बोलते हैं कि तू वहाँ पर आना कर, जैसे बूढ़े आदमी हो गया, जैसे माँ लोग हो गए, हम आते हैं हम बोलते हैं अगर माँ आप आओगे पहले तो आप पीपल की पेड़ के नीचे हमारा इंतज़ार करना। तो ये देख सकते हैं, ये है, हेलो भैया जी, प्रणाम। तो ये है रुद्रप्रयाग मार्केट की शान है, ये पीपल का पेड़ बहुत ही बड़ा था, अब तो थोड़ा छोटा भी हो गया है। तो अभी मैंने भी यहाँ पे थोड़ा सा सामान लेना है, सामान लेने के बाद घर की गाड़ियाँ देखने हैं। आजकल गाड़ियों की भी बहुत ज़्यादा दिक्कत है क्योंकि यात्रा का टाइम चल रहा है, तो लोकल गाड़ियाँ भी यहाँ से और सोनप्रयाग तक लगी हुई है, तो ऐसे में गाड़ियाँ मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। नमस्ते, प्रणाम, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो अभी ना, अरे अभी तो जा रहे हैं, अभी मिल रहे हैं सब्सक्राइबर लोग। तो अभी अपने जिले में हैं और अपने सब्सक्राइबर लोग भी मिल रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है भाई, कहीं जाओ सब्सक्राइबर लोगों से मिलकर आते तो बहुत ही अच्छा लगता है कि हमारी वीडियो ये लोग देखते हैं। गाड़ी की इतनी तेज आवाज़ आ रही है, सुनाई नहीं दे रहा है। बाकी आजकल देखो सीजन का नया फल आम आ रखा है भाई मार्केट में, मैं भी आम लेके जाऊंगी आजकल बच्चों के लिए। अभी तक मैंने भी आम नहीं खाया है, फर्स्ट बार आज ही खाऊंगी भाई। रुद्रप्रयाग के मेन मार्केट से पैदल चलते चलते मैं आ गई हूँ पुल पे। तो आजकल देख सकते हैं भाई पुल किस कुछ इस तरह से दिख रहा है, वह बहुत ही सुंदर कलर हो रखा है पुल पे, बहुत ही अच्छी तरह से सजाया गया है, जैसे दुल्हन की तरह सज रखा है आजकल रुद्रप्रयाग का पुल। और ऊपर वाली पहाड़ी बहुत ही खूबसूरत दिख रही है। तो यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है श्रीनगर 38 किलोमीटर, ऋषिकेश 142 किलोमीटर, हरिद्वार 164 किलोमीटर और बद्रीनाथ है 157 किलोमीटर। पॉपकॉर्न नहीं भैया। और यहाँ पे पहले बहुत सारी दुकानें लगी रहती थी इस वाली साइड की, और तो यहाँ पे खुला खुला सा हो गया और वो दुकानें हट के आ गई हैं इस वाली साइड की। और भाई धूप हो रही बहुत ज़्यादा है ना, यहाँ पे बहन लोग भी बैठ रखी हैं। तो और यहाँ ठीक नीचे से अलकनंदा नदी बहती हुई जो कि आती है बद्रीनाथ धाम से, और उधर की साइड से केदारनाथ धाम से आती है मंदाकिनी। तो आगे पे हो जाता है दोनों नदियों का संगम। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं भाई नीचे जाने का रास्ता भी है, पर मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, वह नदी के इतने नज़दीक हूँ कि बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा है, रिंग जैसी हो रही मेरे को, कहीं मैं बह ना जाऊँ, दूरी से लग रहा है, पता नहीं ये लोग कैसे में रहते हैं। तो बिल्कुल नदी के किनारे पर भी घर हैं, और थोड़ा ना जब सावन भादों का मास लगता है तो ये वाला पानी ऊपर तक आ जाता है जहाँ पे शिव जी भगवान की मूर्ति है। तो चलिए जी, थोड़ा सा जब यहाँ पे आ रखे हैं रुद्रप्रयाग में, तो मैं भी जाती हूँ गंगा माया के दर्शन करने, यानी कि अलकनंदा जो कि बद्रीनाथ धाम से होती हुई आती है, और पहली बार जा रही हूँ वो भी अकेले अकेले भाई। ये देखो पानी भी इतना है, डर भी लग रहा है, लेकिन चलती हूँ गंगा मैया के दर्शन करने के लिए। हाँ जी, आरती रावत, आरती रावत ऑफिशियल। तो यहाँ पे एक भाई पूछ रहा है आपके चैनल का नाम क्या है, बल है ना। तो चलती हूँ भाई, शिव शंकर भगवान की मूर्ति भी है, पहली बार दर्शन करूँगी
ये सौभाग्य भी कभी कभी मिलता है, पर कहाँ से जाऊँ मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा है। यहाँ से नीचे जाने का भी एक रास्ता है, लेकिन वो वाला रास्ता पता नहीं कहाँ तक जाता है। अच्छा, इस वाले रास्ते में मिल रहा है वो भी, और डर भी लग रहा है भाई, अकेले अकेले है ना। वो दीदी लोग बोल रहे हैं वहाँ पे बहुत सारे लोग जाते हैं, उनको नहीं लगता है डर, तो आप क्यों डर रही हैं? तो लगता ही है भाई, है ना, साथ में कोई हो तब नहीं लगता है। पर बच्चों को कभी नहीं लाना चाहिए इस जगह, ऐसी जगह पे। कभी कभी वीडियो बनाने के चक्कर में या मतलब नहाने के चक्कर में, फ़ोटो खींचने के चक्कर में दुर्घटना भी हो सकती है, तो मुझे बहुत डर लगता है भाई दूरी से। तो चलती हूँ मैं, एक दीदी उधर से आ रही हैं बाल्टी लेके, तो तब डर नहीं है भाई। तो फाइनली मैं भी पहुंच गई हूँ गंगा मैया के बहुत ही ज़्यादा करीब, और यहाँ पे देख सकते हैं भाई सबसे पहले हो गए हैं जय भोलेनाथ भगवान की, शंकर जी के दर्शन। बड़ी बड़ी सी मूर्ति लगी हुई है, कुछ टाइम बाद ना पानी भोले शंकर जी की जटाओं से भी ऊपर चला जाता है, तो उस टाइम ऐसा दर्शन करने का मौका नहीं मिलता है भाई। भोले बाबा तुम्हारी कसम, मेरा मन माँ तुम्हारी रतन। भोले बाबा तुम्हारी कसम, मेरा मन माँ तुम्हारी रतन। जत माँ तुम्हारी बाबा गंगा सजीच, गंगा सजीच बाबा गंगा सजीच। तुम ते गंगा हो, तुम ते गंगा की छन कसम, अपना भगतों को ख्याल रखान। तो चलिए जी, अभी हमने भी कर लिए हैं शिव शंकर भोलेनाथ जी के दर्शन, और आगे से देख सकते हैं भाई नदी का पानी इतना तेज बह रहा है। ये अलकनंदा नदी आती है बद्रीनाथ धाम से, जो कि मैंने पहले भी बार बार बोल रही हूँ, और उधर से आती है अलकनंदा केदारनाथ से, तो दोनों नदियों का संगम हो जाता है थोड़ी दूरी पे। तो क्या पता संगम पे भी जाऊँगी, संगम पे नहीं जाऊँगी तो फिर भी आप लोगों को ना ज़रूर मतलब कभी ना कभी अपनी वीडियो के माध्यम से दर्शन तो ज़रूर करवाऊंगी भाई। चलते हैं, थोड़ा सा हाथ मुँह धो लेते हैं। देखो जी, गंगा मैया का पानी बहुत ही तेज से आ रहा है, और मुझे पानी से ना बहुत ज़्यादा डर लगता है। एक बार गिरी थी मैं, तो मेरे भाई ने बचाया था मुझे, सुभाष भाई ने, थैंक यू यार सुभाष भाई। पर आज बहुत डर भी लग रहा है, आज देख मेरी बहन कहीं बह ना जाए। तो जय गंगा मैया, जय गंगा मैया, जय गंगा मैया, इतना ही भाई, इतना ही वो कर सकती हूँ। तो अलकनंदा मैया का पानी मैंने भी डाल दिया है अपने सर पे, बाकी थोड़ा सा पैर धोती हूँ। डर बहुत ज़्यादा लगता है पानी से, क्योंकि एक बार पानी में डूब रखी हूँ, तो रिस्क नहीं लेना चाहिए। एकदम मुझे थतराहट हो रहा है, और साथ में कोई है भी नहीं कि जो मतलब मुझे बोले कि कुछ नहीं होता है ना। तो बाकी ज़्यादा आगे नहीं जाऊँगी, इतना ही तक जाऊँगी, बहुत नज़दीक आ रखी हूँ। कुछ दिनों बाद तो इतना भी नहीं आते हैं भाई कोई, क्योंकि देख सकते हैं आप उन वाली सीढ़ियों तक पानी आ रहा है, पानी का कोई पता नहीं चलता है भाई कब छलारा ऊपर की ओर आ जाएगा। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे भी इतना इतना पानी आ रहा है, तो कुछ टाइम बाद ये पानी यहाँ तक भर जाएगा। तो पानी से डरना भी ज़रूरी है भाई। भाई इतनी ज़्यादा हो रही है कि मन कर रहा है एक छोटी छोटी डुबकी लगा दूँ, लेकिन क्या पता थी छुटकी लगाने की मेरी बड़ी इच्छी ना लग जाए, और साथ में कोई होता तो ज़रूर लगाती भाई, साथ में कोई नहीं है तो नहीं लगाऊंगी डुबकियाँ भी, है ना। आज अच्छा कभी कभी होता है ना, आका मतलब सौभाग्य ही हूँ मैं इसको कि पैदल पैदल आ रही, तो दीदी लोगों ने बोला जा सकती हूँ घूम के लिए से, तो तभी आई हूँ भाई। बाकी तो आती हूँ मैं, लेकिन थोड़ा सा चैन पकड़ के कोशिश करूँ मैं, ये वाली चैन पकड़ती हूँ मैं और नीचे तक जाती हूँ, तो क्या पता मगरमच्छ होगा नीचे मेरे को काट देगा, वहाँ भी कह रही वहाँ भी नहीं जाना है। बस जो भी हुआ, जितना भी हुआ, घूम गए हैं यहाँ पे तक, और सही सलामत जाना चाहिए भाई, डर लगता है। घर में बच्चे हैं ना, बच्चे पटक से टक चली जाती है भाई मेरी बच्चे हैं। अगर मुझे कुछ हुआ तो मुझे अपनी परवाह नहीं है, अपनी बच्चों ज़्यादा परवाह है। भाई थोड़ा सा इधर की साइड यहाँ देखो भाई, कोई आएंगे ना यहाँ, ज़्यादा ज़बरदस्ती करके नीचे मत जाना, यहाँ पे तो बहुत गहरा है, इंसान का बचना मुश्किल है। देखो, और ऊपर से है पुल, पुल में आ रही है गाड़ियाँ,
ताकि यहाँ से लोकेशन बहुत प्यारी है। तो अभी हमने यहाँ पे अच्छे से भोलेनाथ जी के दर्शन भी कर लिए हैं और थोड़ा सा पानी भी गए हैं, बाकी ठंडा ठंडा पानी जाने का और ज़्यादा ठंडे पानी में जाने का मन तो कर रहा है, डुबकी लगाने का मन भी कर रहा है, लेकिन डर भी लग रहा है। तो चलिए जी, आज के लिए बहुत हो गया भाई, इतना ही घूमना है, फिर आएंगे हमें तो फिर घूमेंगे भाई आपके लिए। तो क्या पता मुझे गाड़ी न मिलाने के लिए, तो ये देख सकते हैं आप लोग भी आ सकते हैं यहाँ पे घूमने के लिए, बहुत प्यारी जगह है। पर ध्यान यही देना है कि ज़्यादा नीचे नहीं जाना है पानी में, और छोटे बच्चे बच्चे नहीं लाने हैं भाई। देखो ऊपर से गाड़ियाँ चल रही हैं, आवाज़ भी आ रही है, जाम लग रहा है, ऊपर आओ बल। तो चलिए जी, मैं भी रोड पर पहुँच चुकी हूँ, देखती हूँ गाड़ी का वेट करती हूँ और कब तक गाड़ी मुझे मिलती है घर की। बाकी आज की वीडियो को मैं इतना ही रखती हूँ, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ खूब शेयर कीजिए। मैं आरती रावत मिलती हूँ आपको बहुत ही जल्दी अगली न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।